किसान भाइयों ने राम राम। खेत किसान चैनल में सारे किसान भाइयों स्वागत है। किसान भाइयों, आज आपको एक नई मशीन के बारे में जानकारी देंगे। ये भाई साहब सुंदर सिंह हैं और ये आपको इस नई मशीन के बारे में जानकारी देंगे। कुछ किसान भाइयों के खेतों में पेड़ सूख जाते हैं, लेकिन वो अगर उनको लेबर पर कटवाएं तो लेबर ज़्यादा हो जाती है, उनके पास कुछ बचता नहीं है। अगर वो लेबर से ना कटवाएं तो फिर वो खेतों में खड़े रहते हैं, खुद से इतनी मेहनत होती नहीं है। तो ये छोटी सी मशीन है जिसकी कीमत सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। इसके बारे में बताएंगे और आपको इसकी कार्य प्रणाली दिखाएंगे। तो ये भाई साहब सुंदर सिंह हैं, बताओ भाई आप मशीन के बारे में बताओ आप। किसान भाइयों नमस्कार। तो इस भाई साहब है, ये मेरा जो खेत है इसमें वृक्ष थोड़े ज़्यादा थे, तो आजकल सिस्टम बहुत ज़्यादा सूखने लग गई, तो वह परेशानी आई। एक तो टाइम पे लेबर नहीं मिली, और यदि लेबर मिल जावे फिर वह महंगाई इतनी काटा है, उनकी लेबर इतनी हो जाए लकड़ी में कोई बचता नहीं। फिर मैं हिसार कृषि मेला में जा रहा था और देखा तो एक मशीन आ रही थी, वैसे इलेक्ट्रिक मशीन है, बिजली से चला है, लेकिन इंजन वाली मशीन भी है जो यही 5-6 हज़ार रुपये की आ जाती है या 3,500 की आगे बलग या बिजली से चलती है। तो फिर मैं मशीन ले आया और इधर आके मैंने इससे काम लिया तो बहुत बढ़िया काम कराया। जैसे एक नॉर्मल वृक्ष होता है जो कि सूख जाता है या कोई गिल्ला है जो अपन काटना ज़रूरी है कहीं रास्ते में है, तो उसी 15 या 20 मिनट में या पूरे रूख ने कंप्लीट कर दे है जिस हिसाब से अपन इसकी लकड़ी बनानी हो। अच्छा, 15 मिनट में काट दे है। 15-20 मिनट में। आज आपको इस पेड़ को काट करके दिखाएंगे। ये थोड़ा सा पतला पेड़ है, क्या आप इससे कोई भारी पेड़ भी कभी काटा है? हाँ, इससे जो ये पहले बरसीन लगाई थी उस टाइम मैंने इसके अंदर दो सूखी सीसम खड़ी थी। अच्छा, सूखी सीसम। हाँ, भारी पेड़ा था। हाँ, भारी पेड़े थे। तो फिर मैं मशीन ले आके उसको काट कर फिर बिजाई करी थी, उसके नीचे के खुंड कर बच भी रहे हैं, आप चाहो तो एक बार आपको खुंड कर दिखाते हैं, खुंड कर देख के आते हैं, खुंड कर आप देखने चलते हैं। ठीक। तो किसान भाइयों, जो मैंने पहले ये मशीन लेके ट्राई ले ही उस टाइम मैंने ये पेड़ काटा था जिसके यहाँ सही से बच रहा है। ये थोड़ा अच्छा पेड़ था, लगभग 1.5 फुट, तो 1.5 फुट की चौड़ाई गुड़ाई है इसकी। ये तो पूरा पेड़ था, मतलब पूरा। हाँ, पेड़ दिखाई दे रहा है। तो इसको इधर रख के वैसे मैं जान था, लेकिन ये और भी नीचे तक कटाई हो सके थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने काटा तो ये पूरा का पूरा वृक्ष इधर तक काट दिया, फिर आगे अलग अलग लकड़ी बना ली। तो लकड़ी बनाने के बाद इसका लगभग 15 या 20 मिनट में इस पूरे पेड़ को फिनिश कर दिया था मशीन। 15 मिनट मतलब किसान भाइयों, 15 मिनट में पूरा पेड़ फिनिश कर दिया था। अगर आज किसान ये भाई साहब वो काट के दिखाएंगे आपको, 15 मिनट में उसको फिनिश करके दिखाएंगे, फिर आप देखोगे कि कैसे कटते हैं। अधिकतर किसान भाइयों के पास अपने खेतों में बिजली है, ट्यूबवेलों में बिजली आई हुई है। दूसरा ये है कि जैसे खेतों में किसी के पास किसी ढाणियाँ बना करके रहते हैं, तो वो अपनी लकड़ियाँ या अपना इस तरह का सिस्टम अपने आप कर सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं, 3,500 रुपये किसकी कॉस्ट है। तो चलते हैं। तो किसान भाइयों, अब पहले मैं इसके ये डाले उतार के दिखाऊंगा कि आसपास छोटे पेड़ हैं जैसे कि वो सामने है या इधर है, तो यदि नीचे तक काटूंगा तो फिर इसका मैं साइड के रुखा नुकसान आओगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर के टहनियां काटी जाएंगी ताकि ये परले पेड़ पर ना गिरे। मैं ऊपर की काट तो किसान भाइयों देखिए कितनी जल्दी जल्दी काट रही है, 10-10 सेकंड में काट रही है। असल बड़ी बात क्या है कि ये सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि परली साइड आंवले का पेड़ है, आंवले के पेड़ को बचाने के लिए ये इस तरह से काटा जा रहा है ताकि आंवले के पेड़ को नुकसान ना हो। ये आपके सामने हर बार 10 से 15-20 सेकंड तक किसी भी टहनी को बिल्कुल आराम से काट सकती है। इसके बाद आपको पेड़ काट के दिखाया जाएगा, पेड़ में भी ये एक से दो मिनट ही लेगी। ये देखिए इसके कितनी अंदर तक चली गई है। तो किसान भाइयों, ये मशीन बड़ी काम की है। किसान भाइयों ये शुरू कर रहे हैं भाई साहब, अब जड़ से कटाई करके दिखाएंगे आपको कि ये मैक्सिमम बहुत ही कम समय लेती है। जैसे जैसे कटाई हो जाएगी जल्दी ही निपट जाएगी। आपको ये 5 मिनट के वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे इस भाई ने पूरी की पूरी पेड़ को 10 से 15 मिनट में फिनिश कर दिया। तो ये मशीन जो है इसका नाम वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा,
और आपको दिखाया जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि कौन सी मशीन है और कितने रुपए की कहां से मिलेगी। ये अपना किसी मशीन की प्रसिद्धि करने का कोई मकसद नहीं है, अपना मकसद है किसान भाइयों की समस्याएं हल करने का। अपना किसी मशीन को बेचने के लिए इसकी मसूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसान भाइयों को ज़रूरत के हिसाब से कि उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी हों, इसलिए इसको दिखा रहे हैं। अब काफ़ी नज़दीक से, बिल्कुल झटके नज़दीक से इसको काटा जा रहा है। आप इसको थोड़ा सा देखिए, आराम से देखिए। ये बिल्कुल आराम से कट रही है, आप देखो इसको कितना काट दिया गया है। ये ज़्यादातर निपटने के नज़दीक है, देखिए आप इसको। और ये कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, बल्कि थोड़ा सा टाइम में ही आपको पूरे वीडियो में ये मशीन आपको दिखाई दे जाएगी कि कैसे इसने अपना काम निपटा दिया है। और ये भाई बिल्कुल फ्री माइंड लगे हुए हैं, ना ज़्यादा मेहनत है ना ज़्यादा जोर का काम है। ये देखिए, ये काफ़ी इतना पतला भी वृक्ष नहीं था। आप इसको चौड़ाई एक बार भाई साहब दिखाएंगे आपको, इसके बलात मार करके देखिए कितना चौड़ा था। इस तरह से छोटी छोटी टहनियाँ बना दी गई हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए कितनी स्पीड से चल रही है। तो किसान भाई इसके लिए, इसको अपने लिए खरीद सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है। दो तीन किसान मिलकर के भी अगर ले आएंगे तो उनको बड़ा फ़ायदेमंद रहेगी ये चीज़। तो किसान भाई ये देखिए, इसको आराम से देखिए। में इस भाई साहब ने ये सब पूरा का पूरा पेड़ फिनिश कर दिया। ये तो थोड़ा सा अपने साथ बातों में लगे हुए थे, नहीं तो इसको बिल्कुल फिनिश और अच्छी तरह कर देते। अब सिर्फ ये लकड़ियाँ उठानी रह गई हैं, लकड़ियाँ उठा उठा के डालनी हैं। तो ये किसान भाई, ये मशीन का नाम है टरी कटर, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, ये ट्री कटर के नाम से आती है मशीन है। और हमारा मकसद ये नहीं है भाई आप यही मशीन लो या ऐसी कुछ लो, आप अपनी मर्जी से मशीन ले सके हो। हमारा मकसद ये है भाई, किसान भाइयों ने अपने वृक्ष खड़े हैं जो सूख जावे हैं वो ख़राब नहीं जाने चाहिए, अपनी लकड़ी बाज़ार में बिक सके है। और अब उनकी अब खुद काट के आधे घंटे के अंदर और आप अपने ट्रैक्टर में लोड करके या बाज़ार पहुँचा के आप उसके पीछे बना सका है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, सारे किसान भाइयों ने, वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताएँ। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, बार बार आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर के आते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे, अन्य साथियों के साथ अपने वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को नए साथी सब्सक्राइब करें और अन्य अपने रिश्तेदारों को कहें कि सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।